तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आप देख सकते हैं मेरे सामने जो शख्स मौजूद है, ये भी किसी का बेटा होगा, किसी की संतान होगी, लेकिन आज ये अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन ये मधुबनी शहर इतना लापरवाह हो चुका है, इतने मतलबी हो चुके हैं कि कोई भी इसको एक बूंद पानी पिलाने को तैयार नहीं है। हम लोगों के पास ये जब जानकारी पहुंची तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिया पर्सन जो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने इसे दिखाया है अपने कैमरे में। हमारा उद्देश्य कोई TRP कमाना नहीं है, कोई व्यूज़ लेना नहीं है, कोई लाइक लेना नहीं है, पर हमारा लक्ष्य है उन NGO को जगाना, उन लोगों को जगाना जो सरकार से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए स्वयं से भी संस्था के नाम पर लेते हैं, लेकिन उन्हें गटक जाते हैं, इन लोगों तक नहीं पहुंचने देते। आप देख सकते हैं ये बेचारा तरस रहा है पिछले 2 दिनों से, ना तो कोई पूछने वाला है, ना ही कोई देखने वाला है और ना ही कोई इसकी सुध लेने वाला है। इसके तो माँ बाप ने इसे छोड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान है और आज कीड़े की तरह ये मर रहा है, लेकिन मधुबनी की कोई संस्था इसे देखने को तैयार नहीं। आम तौर पर जब हम ऐसे इंसानों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये लोग नशेड़ी होंगे, जुआरी होंगे या गांजा पीने वाले होंगे। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान तो है, इसे कम से कम जीने का हक तो है। लेकिन मधुबनी शहर आज इतना मतलबी हो चुका है कि इस तरह के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आज पैसे वालों का समय है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास करोड़ों का फंड आता है तो इन लोगों की रक्षा के लिए, लेकिन आज देख सकते हैं इसकी क्या हालत है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शख्स भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक ऐसे शख्स भी मौजूद है जो पिछले 2 दिनों से इसे देख रहे हैं, कल शाम से इन्हें ये लगातार इन्हें देख रहे हैं और इन्होंने ही हमें सूचना दी हम यहाँ पर पहुँचे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जनाब। कब से इसको ऐसी हालत में देख रहे हैं आप? कल शाम से देख रहे हैं, सुबह से था लेकिन शाम से ज़्यादा वो देख रहे हैं इसको। कल शाम से ऐसा हालत है, ज़्यादा हालत। किसी तरह का खाना वाना खाया है? खाना नहीं खाया, आज दिए उसको पानी दिए हैं, बिस्कुट ला के दिए हैं खाने के लिए, उसके बाद अभी कपड़ा ला के दिए हैं। कपड़ा भी ला के दिए? हाँ। आप क्या दुकान उकान करते हैं? हाँ, यहीं फुट पर दुकान लगाते हैं। फुट पर दुकान लगाते हैं। आपके आपका ध्यान इसके ऊपर कैसे गया? वही नज़र आया तो हमको देखते हैं कौन कैसा, एक आदमी फिर आदमी बोला कि कौन वहाँ बैठ सुता हुआ है, तो हम बोले देखो मेरे एक आदमी पड़ा हुआ वहीं सिरा से है, सबको तो हम बोल रहे हैं कि किसी कोई मदद कर दे इसका। क्या करते हैं आप? दुकान चलाते हैं? हाँ, फुट पर दुकान, कपड़े का दुकान, फुट पर दुकान चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ जो शख्स मौजूद है ये फुट पर दुकान चलाते हैं, बेचारे गरीब है, इस कारण इनकी गरीब पर ध्यान गया और इन्होंने पानी दिया, बिस्कुट दिया और इसे जीने की पूरी कोशिश की और हम लोगों को भी सूचना दी, जिससे कि आज मीडिया पर्सन यहाँ पर आए हैं, हम लोगों ने एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया है और बहुत जल्दी हो सक देखा तो यहाँ पर इकट्ठे हो गए, उनमें से कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सर हीरालाल साहू है। इस तरह की घटनाएँ हो रही है हमारे मधुबनी में, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो करोड़ों का चंदा लेती है, लाखों का चंदा लेती है, क्या इन लोगों को उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? बहुत जिम्मेदारी है। सबसे बात तो सर देखिए, जिला है, बगल में थाना है, बड़ा IAS ऑफिसर भी, सब बड़ा बड़ा ऑफिस है, कोर्ट है, क्या नहीं है यहाँ पर, लेकिन किसी को इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार का यहाँ तो सिस्टम ही बेकार है, वो तो आप लोग हैं जो थोड़ा बहुत जागरूक करते हैं तो थोड़ा देख भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको नहीं लगता है जो यहाँ पर जैसे सिस्टम है ये लोग कुछ करें। हम बात इस सिर्फ अकेले शख्स की नहीं कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों शख्स होंगे जो गली चौराहे में पड़े रहते हैं, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती? बहुत है? बहुत है, बहुत सर बनता है, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, योजना पे योजना, योजना पे योजना, घोषणा पे घोषणा, लेकिन क्या है? तो आप ये तो डायरेक्ट सरकार को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को सामने में जाना चाहिए और देखना चाहिए, जो देखिए क्या कितना हजार करोड़ रुपया आपको हॉस्पिटल में खर्चा है, शिक्षा पे, सफाई पे, देखिए यही बताएगा क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे लाखों हजारों चल रहा है बिहार में, मधुबनी जिला में कई देखते हैं हम ऐसे भिखमंगा सबको। बंद कर दीजिए, आइए तो आइए ना। जो मैं आपको बता दूं, यहाँ से कोर्ट मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, हॉस्पिटल बहुत होगा तो 200 मीटर की दूरी पर होगा। आज के बाद अगर ये मर जाएगा तो इसे उठाने के लिए एम्बुलेंस आएगी,
प्रशासन आएगा इसको उठा के इसे लावारिस की तरह जला दिया जाएगा। लेकिन आज ये जिंदा है तो कोई पूछने वाला नहीं है। हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं, हम बात उन हजारों भिकमंगे की कर रहे हैं, उन लोगों की कर रहे हैं जो मधुबनी के चौकों पर, शहरों में, अलग अलग जगह में इसी तरह से पड़ा हुआ है। आखिर उन्हें देखने वाला कौन है? क्या उन्हें देखने वाला कोई नहीं है? अगर उन्हें देखने वाला कोई नहीं है तो सरकार से करोड़ों की फंडिंग क्यों होती है, एनजीओ क्यों चल रहे हैं और हमारे स्वयंसेवी संस्थान इतने लाखों का चंदा क्यों लेते हैं? इन्हीं लोगों के लिए लाखों का चंदा आता है। तो मित्रों, इस तरह के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों तक पहुँचाइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुँच रहा है, प्रशासन तक पहुँच रहा है, उन लोगों तक पहुँच रहा है जो इस तरह के लोगों का कुछ मदद कर सकते हैं। और साथ साथ अगर हमारे वीडियो के माध्यम से इनके परिजन तक आवाज़ पहुंच रही है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से अपील करते हैं कि इस तरह उनके परिजन यहां पर आए और जो है वो इसकी सहायता करे। इस तरह के वीडियो हम लगातार दिखाते रहते हैं, कहीं ना कहीं ये मानवता को झकझोर देने वाली घटना है और हमने इस घटना को उठाने का जो है संकल्प लिया। उम्मीद करता हूँ इस तरह के वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।